सुंदर दिखने वाली मिठाई बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं सुंदर ही कहूँगी क्योंकि खाने में तो बहुत सी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन दिखने में ये मिठाई जितनी सुंदर है इतनी शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मिल्क पाउडर। दोस्तों यहाँ पे हम स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। उसमें हम 3/4 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डालेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी जो कि मैंने आधी कटोरी ऐड किया है। और अब इसमें मैंने देशी घी डाल दिया। दोस्तों मिठाइयाँ तो देशी घी में ही अच्छी लगती हैं, तो 1 चम्मच देशी घी मैंने इसमें ऐड किया। इन सारी चीज़ों को हम अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दिवाली के समय में इस तरीके की कलरफुल मिठाई मिल जाए, मज़ा ही आ जाती है। त्यौहार का मज़ा दोगुना हो जाता है अगर हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए जब मिल जाती हैं। दोस्तों इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। मैं यही कहूँगी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है क्योंकि इसको देखने के बाद आपको एक बार इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। मिक्सचर अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है और अब मैं इसका डो बनाऊंगी। डो बनाने के लिए मैंने आधी कप दूध लिया है। दोस्तों उस कटोरी से आधी कटोरी ही इसकी क्वांटिटी है। आधी कटोरी दूध हमें यूज़ करना है, लेकिन हम 1-1 चम्मच करके डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारा डो गीला हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमें 1-1 चम्मच करके मिल्क लेना है और मिल्क हमारा फुल क्रीम मिल्क है। दोस्तों इससे फुल क्रीम यूज़ करने से इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर करके एक सॉफ्ट सा डो इसका रेडी कर लेंगे। दोस्तों इस मिठाई में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके लिए आपको घंटों की कुकिंग नहीं करनी है, बहुत ही क्विक बन जाती है मिठाई। और साथ में इसको बनाने के लिए हमें गैस वैस भी नहीं जलाना है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। हर किसी के लिए पॉसिबल होगा कि वो इस मिठाई को बना सके और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आता है। डो हमारा रेडी है दोस्तों। अब हम उसमें उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दिया। ध्यान रखें दोस्तों कि चारों पार्ट्स इक्वल ही आए, इक्वल रहेंगे तो ही परफेक्ट रहेगा। चारों पार्ट्स को 4 अलग अलग कटोरी में किसी भी अलग अलग बर्तन में रख लें और हर एक पार्ट में मैं कलर यूज करूंगी, कलर डालूंगी। दोस्तों इसमें मैं ग्रीन कलर डाल रही हूं, कलरफुल मिठाई है, फूड कलर यहां पे यूज करेंगे। जो भी कलर आपको पसंद हो वो डालें। दोस्तों ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन मिठाई में अगर एक सुंदर सा कलर चाहिए तो आप जरूर यूज करें। कलर को हमें डो में अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि ये बिल्कुल होमोजीनियस हो जाए, जिससे कि इसका एक जैसा कलर, हर एक पीस में एक जैसा कलर आए। सिमिलरली मैं दूसरे वाले डो के पोर्शन में भी कलर डाल ले रही हूं। दोस्तों जो भी कलर आपको पसंद हो वो डालें और उसे भी मिक्स हम कर लेंगे। इसी तरीके से तीसरे और चौथे पोर्शन में भी मैंने कलर को डाल दिया। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है ये काफी अच्छा लगता है। इसी तरीके से यही कलर कॉम्बिनेशन आप भी यूज कर सकते हैं और या फिर आप अपनी मर्जी का भी कोई भी कलर इसमें डाल लें। सिमिलरली मैंने 4th डो के भी पोर्शन को कलर डाल लिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
दोस्तों इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। बहुत ही लाजवाब बनती है। आप देखिए चार डो के पोर्शन हमारे बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इनके इस तरीके के रोल्स बना लेंगे। दोस्तों ये सॉफ्ट मिक्सचर होता है तो इसका रोल भी काफी इजीली बन जाएगा। इस तरीके से हाथों से आप इसे रोल को चिकना कर ले। ध्यान रखें कि रोल की एक अच्छी थिकनेस रखनी है और चारों कलर के जो डोग हैं इन सभी की थिकनेस अच्छी सिमिलर रखनी है और साथ में इनकी लंबाई भी हमें सिमिलर रखनी है और इनकी थिकनेस जो है ये भी सेम रहेगी। सिमिलरली मैंने तीसरे कलर को भी ऐसे ही कर दिया। चौथे को का भी ऐसे ही रोल हम बना लेंगे। दोस्तों इन चारों कलर को अब हमें साथ में लेना है। और साथ ही हमें एल्युमिनियम फॉइल लेना है। एल्युमिनियम फॉइल का इसमें हम प्रयोग करेंगे। और कुछ इस तरीके से चारों कलर को मैंने अरेंज कर लिया। दोस्तों इसको मोड़ने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए किस तरीके से मैंने दो कलर नीचे रखे, उसके ऊपर दो कलर रखे और साथ ही एल्युमिनियम फॉइल को फोल्ड कर दिया। किनारों से भी इन्हें पैक कर दे और हम टैप टैप कर रहे हैं जिससे कि अंदर ये अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा सा ऊपर से दबा भी दे जिससे कि अंदर ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से बिना गैस चलाए बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अब इस रोल को मैंने फ्रिज में पूरी तरीके से सेट होने के लिए रख दिया था। दोस्तों आधे घंटे के लिए मैंने रखा था। इसको पूरी तरीके से जब सेट हो जाए तो आप इसे खोल लें। आप देखिए कितना लाजवाब हमारा रोल तैयार है और अब इसको इस तरीके से कट कर ले। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस भी लगता है। अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे। आप देखिए ये कितने ब्यूटीफुल रोल्स लग रहे हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज है कि इतनी कलरफुल है, इतनी सुंदर है और साथ ही ये लाजवाब भी लगती है। हर एक पीस इसका बहुत ही ज्यादा सुंदर बना है दोस्तों और खाने में भी काफी डिलीशियस लगता है। देखिए मैं इसको आपको क्लोज व्यू दिखा रही हूँ। साथ ही मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और आप इसका मजा जरूर लें, जरूर इसे बनाएं।